दोस्तों आपकी वीडियो बिल्कुल ठीक है, आप टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ ठीक लगा रहे हैं, फिर भी आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि यार क्या वजह है, अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप कोई बताओ। मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं, सारी वीडियोज़ देख ली हैं, सारा कुछ सीख चुका हूँ, अब बिल्कुल परफेक्ट हूँ, फिर भी यूट्यूब आगे इंप्रेशन क्यों नहीं भेज रहा, क्यों वीडियो को वायरल नहीं कर रहा, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें आपने ध्यान से समझनी है, आपकी वीडियो पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों पहले नंबर पे इस बात की गारंटी होनी चाहिए, पक्का यकीन होना चाहिए कि आप वीडियो अच्छी बना रहे हैं, ठीक है, पहले ये समझना है आपने ध्यान से। उसके बाद अगर अच्छी है तो फिर भी व्यूज़ नहीं आएंगे, अगला स्टेप आपको करना पड़ेगा, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले इसको समझिए कि अच्छी वीडियो का क्या मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वीडियो को देखते हैं और आपको अच्छी लगती है कि यार ये तो कमाल वीडियो बना दी और डाल दो इसको यूट्यूब पे, उसका मतलब अच्छा नहीं है। आप किसी को दिखाओ जिसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, तो दोस्तों ये मैंने ऑनलाइन सहूलत दी हुई है आप लोगों को, स्क्रीन पर आपको नीचे नंबर नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, जिसके थोड़े से चार्जेस हैं, मैं अपना 100% दूंगा, आपका चैनल चेक करूँगा, सिर्फ वीडियो ही नहीं चेक करूँगा, आपका चैनल, आपकी सेटिंग हर लिहाज से देख के आपको बताऊँगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं है तो फिर भले आप जितनी मर्जी वीडियोस डालते रहो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, भले साल तक डालते रहो। जैसे SEO में गलती कर रहे हो या आपके चैनल में सेटिंग का कोई मसला है, इसलिए बेहतर है कि आप किसी को चेक करवा लो, ताकि वो आपका चैनल चेक करके आपको एक दफ़ा बता दे, ताकि आपकी ज़हनी टेंशन क्लियर हो और आप आगे रेगुलर सेटिस्फाई होके यानी कि मुतमिन होके काम कर सकें, ताकि आपका चैनल ग्रो हो सके। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। दोस्तों YouTube में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि एल्गोरिदम में एक चीज़ YouTube ने रखी है, ठीक है, YouTube बताता नहीं है कि यहाँ आपको ऐसा करना है ऐसा करना है, ठीक है, वो सिंपल सिंपल बताता है, टाइटल लगाओ, टैग्स लगाओ और CTR बढ़ाओ, थंबनेल अच्छा लगाओ, मतलब सिंपल सिंपल चीज़ें, लेकिन अंदर की बातें खुद ऑब्जर्व करना पड़ती हैं। जो मैंने अपने 3.5-4 सालों में जो कुछ सीखा वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया। जिन लोगों को नहीं पता, मेरा एक पहले भी चैनल है, उस पर भी मैंने काफ़ी अरसा गुजारा है और काफ़ी व्यूज़ गेन किए हैं और काफ़ी वीडियोस वायरल की हैं, इसलिए मैं 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब आपकी वीडियो अच्छी होती है ना, ठीक है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ अच्छा होता है, वो फ़ौरन से वायरल नहीं होती। मैं कुछ कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर कर दूँ, कब वायरल होगी वो फ़ौरन वायरल नहीं होगी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले नंबर पे फ़ौरन वायरल नहीं होने वाली है। तो फिर कब वायरल होगी ये मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरे नंबर पे एक चीज़ समझ लें, अगर ये वीडियो आपकी अच्छी है और वायरल इसको होना चाहिए, ठीक है, ऐसी वीडियो सबकी वायरल हो रही है, आपकी भी वायरल होनी चाहिए, तो कैसे होगी, पहले नंबर पर अगर आपने आगे वीडियोज़ ना डाली, ठीक है, आगे आपने वीडियोज़ ना डाली तो ये वाली वीडियो वायरल नहीं जाएगी। अब ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं डिटेल में समझाता हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक है। दोस्तों देखो, जब आपने ये वीडियो डाली ना, YouTube ने इसको मान लो 50 लोगों के पास भेजा, मैं व्यूज़ की बात नहीं कर रहा, इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, 50 लोगों के पास भेजा, उसमें से सिर्फ 5 लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा, 5 लोगों ने, आपको लगा कि यार व्यूज़ ही नहीं आए, वीडियो इतनी अच्छी सब कुछ ठीक है, फिर भी YouTube ने इसको आगे क्यों नहीं भेजा। YouTube ने भेजा, आपके चैनल की जो रीच है ना वो भी लिमिटेड है, हर एक चैनल की रीच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ये पॉइंट आपने ध्यान से समझना है। YouTube की जो हर एक चैनल की रीच है ना वो आपकी लिमिटेड है, वो लिमिटेड है बस 50 इंप्रेशन तक। अब इसको कैसे बढ़ाना है ताकि ये ज़्यादा लोगों तक आपकी वीडियो जाए। अब देखो, इस वीडियो के 50 इंप्रेशन गए, आप यहाँ पे परेशान हो गए और परेशान होकर आपने नेक्स्ट डे वीडियो नहीं डाली, नेक्स्ट डे क्या नहीं किया, वीडियो आपने नहीं डाली, ये सोचा कि यार फ़ायदा तो होता नहीं है, इतना खपता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस डालता हूँ, खप खप आके कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, टाइम ही वेस्ट होता है और व्यू सिर्फ यही 5-10, तो बेहतर है यार 2-4 दिन ठहर के डालेंगे। अगर आपने ऐसा सोचा और वीडियो नहीं डाली, ये जो 50 लोगों के पास आपकी वीडियो गई थी, नेक्स्ट अगर आप डालेंगे ना नागे डाल के आपने फिर वीडियो डाल दी, ठीक है, वो इन 50 लोगों के पास नहीं जाएगी, वो कम लोगों के पास जाएगी। सॉरी गाइस, स्लाइड चली गई है, बस थोड़ी वीडियो रह गई है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ सारी गेम। वो इन 50 लोगों के पास नहीं जाएगी, आपने इन 50 लोगों को अपने हाथ से गंवा दिया, कैसे, थोड़े से
नागे डाल के, जो नागे डाले। अब इन 50 लोगों के पास ठीक है नहीं जाएगी, दूसरा नुकसान क्या होगा आपका इंप्रेशन, चलो पहले 50 तो आ ही रहा था, वो 50 से भी नीचे 20 हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है आगे समझते जाइएगा। दोस्तों आपने आज एक ये वाली वीडियो डाली, ठीक है, जो भी पहली वाली वीडियो डाली, वो 50 लोगों के पास गई, 5 व्यूज़ आए, आपने कहा कोई नहीं मुझे पता कि व्यूज़ नहीं आएंगे, आपने दूसरी वीडियो डाल दी। अब यहाँ पे पॉइंट समझना, जैसे ही आपने दूसरी वीडियो डाली इसकी भी थोड़ी सी पावर होगी, जो थोड़ी सी ये मतलब बूस्ट पकड़ेगी, थोड़ा सा, मतलब मान लो इस पे 7 व्यूज़ आ गए, इसने थोड़ा सा बूस्ट पकड़ा, कम अज़ कम इसने 70 इंप्रेशन तो अपनी तरफ से दिए ही होंगे ना, इस वीडियो ने 70-80 इंप्रेशन, है ना, क्योंकि जो भी आप वीडियो डालते हो वो कुछ ना कुछ नए लोगों के पास लाजमी जाती है, यूट्यूब भेजता है। अब देखो ये वीडियो जो आपने डाली वो इन लोगों के पास जाएगी, ये जो 50 लोग आपके ये वाले, इन लोगों के पास जाएगी ये वाली वीडियो, इनमें से पहले 5 लोगों ने देखा था, हो सकता है 5-7 लोग फिर देखें, जब ये 7 लोग देखेंगे इसका इंप्रेशन और इंक्रीज़ हो जाएगा, 70-80 तक इंप्रेशन चला जाएगा। अब आपके चैनल की रीच होगी 70 लोगों की, अब पहले कितनी थी 50, नहीं वीडियो डालते तो 20 हो जाती, लेकिन आपने वीडियो डाली अब होगी 70। जब आप अगली वीडियो डालोगे चैनल की और रीच बढ़ जाएगी, 100 लोगों के पास आपकी वीडियो जाना शुरू हो जाएगी, इनके पास भी जाएगी, इनके पास भी जाएगी, और आगे भी YouTube थोड़ा सा उसको धक्का लगाएगा, रेकमेंड करेगा। जब आप रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं तो क्या होता है, ये रीच आपकी 1000 हो जाती है, 10,000 हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर आपकी पिछली वाली वीडियोस को भी धक्का लगना शुरू हो जाता है। कैसे, ये वाले लोग जो आपकी अब वीडियो देख रहे हैं, कोई तकरीबन 15-20-20वीं वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम पे इंप्रेशन अच्छा है, आपकी वीडियो पे 100-100 व्यूज़ आ रहा है या फिर 200-200 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 200-200, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये 200 में से 10-20 लोग इसको भी देखेंगे, जब 10-20 लोग इसको देखेंगे, एक बंदा देखे तो 10-20 और लोगों के पास जाती है जिन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल 5 लोगों ने इस वीडियो को भी देखा जो आपने पहली डाली थी, इसको और धक्का लग जाएगा, ये 50 और लोगों के पास जाएगी, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट वीडियो डाली, आपका इंप्रेशन पहले 10,000 था, फिर 10,000 से थोड़ा सा और बढ़ गया, तकरीबन आपका 10,500 हो गया, फिर उनमें से कुछ 5-10 लोग पिछली वीडियोस भी आपकी देखेंगे, जब पिछली वीडियोस देखेंगे क्या होगा, उनको और धक्का लगता जाएगा, इस तरह आपका चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हो जाएगा, बीच में से एक वीडियो जो सबसे अच्छी होगी आपके पूरे चैनल में से वो वायरल हो जाएगी, वायरल होने के बाद आपका इंप्रेशन ये फिर 0-0 आ गए, बहुत सारे लग जाएंगे, मिलियंस में आपका इंप्रेशन चला जाएगा, फिर आप नेक्स्ट वीडियो डालेंगे ऐसे शूटर वायरल होगी, फिर CTR नॉर्मल भी आए, ऑडियंस रिटेंशन नॉर्मल भी आए, लेकिन आपके अच्छे व्यूज आते रहेंगे, समझ गए पॉइंट। अब यहाँ पे गलती क्या है, जब आपकी वीडियो अच्छी है तो आपने कम अज कम 15 दिन या 1 माह आपने रेगुलर रहना है, और रेगुलर जब आप रहेंगे, देखें अगर आपकी वीडियो अच्छी है और पूरे पिछले महीने से आप रेगुलर नहीं हैं, एक भी नागा डाला ना, तो आप गलती कर रहे हैं, गलती बहुत बड़ी है, इसको समझो या ना समझो, मैं तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर चुका हूँ भाई, इंप्रेशन एक दिन भी ना डालो तो काफ़ी नीचे चला जाता है। अगर आपने पूरे 15 दिन या महीना वीडियो डाली है अब भी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर आपके चैनल में कहीं ना कहीं सेटिंग का मसला है, या आप कोई गलती कर रहे हो, थंबनेल में मसला है, टाइटल में मसला है, वो आपको चेक करवाना चाहिए। अगर ठीक है तो 15 या 20 दिन में आपका इंप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और एक आधी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो आप मेन पॉइंट समझ गए, जब आपकी वीडियो अच्छी है तो आपने 15-20 दिन महीने तक रेगुलर रहना है, यूट्यूब की नज़र में भी एक तो आप आ जाएंगे कि भाई इतनी मेहनत हो रही है, रेगुलर बंदा काम कर रहा है और इसकी वीडियो आगे जाके इंप्रेशन भी बढ़ रहे हैं, और YouTube की नज़र से हट के जब आपके इंप्रेशन थोड़े से हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जब हज़ारों में चले जाते हैं आपके इंप्रेशन, तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोस फिर किसी उस बंदे के पास जा रही है, कभी उधर जा रही है, तो ऑटोमेटिकली आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोई और वीडियो डिटेल में बना दूंगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।